For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. गोविंदा इन दिनों एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं, जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वल कुछ दिन पहले ही उन्होंने डेविड धवन और उनके बेटे वरुण धवन को अपना निशाना बनाया और अब उन्होंने कही एक और बात। क्या इस बार क्या किया बी टाउन के चीची भैया ने? वल गोविंदा ने इस बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिल्म देवदास में संजय लीला भंसाली ने उन्हें चुन्नी बाबू के रोल का ऑफर दिया था, मगर गोविंदा ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया। ओ माय गॉड, इतने आइकॉनिक रोल को आखिर क्यों कोई रिजेक्ट करता? वेल, इसका भी जवाब उनके पास था। दरअसल गोविंदा चाहते थे कि वो फिल्म देवदास में शाहरुख खान का रोल निभाएं, मगर एसएलबी ने तो उन्हें चुन्नी बाबू के रोल को ऑफर किया, तो जाहिर सी बात है कि गुस्से में गोविंदा ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। मगर फिर उन्होंने मेकर्स के सामने रखी एक अनोखी शर्त कि अगर शाहरुख खुद कॉल करके उन्हें ये रोल ऑफर करें तो वो जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर तब तक संजय लीला भंसाली ने गोविंदा को रोप इन करने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया था और उनकी जगह उन्होंने जैकी श्रॉफ को चुन्नी बाबू का रोल ऑफर किया। तो गोविंदा के इस शॉकिंग रेवलेशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।